हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आपके लिए आया हूँ। नेचुरली आप समझ गए होंगे कि मेरे हाथ में मार्कर नहीं है, दैट मीन्स आज मैं आपको मैथ्स फिजिक्स के सिवाय कुछ और टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। देखिए, हमारे चैनल में बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर, हम IIT का प्रिपरेशन कैसे करें, नीट का प्रिपरेशन कैसे करें, हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो क्या हम IIT नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, हम किस बुक से पढ़ाई करें, हम कैसे तैयारी करें, न्यूमेरिकल कैसे करें, एंड सो ऑन। बहुत से आपकी क्वेरी आती है, बहुत सारी जिज्ञासा है आप लोगों के मन में कि एक्चुअल में हम IIT या नीट का प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं सबको वन बाई वन रिप्लाई देने के बजाय, जवाब देने के बजाय, मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहता हूं कि एक्चुअल में इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हम कैसे करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि हम किसी भी सक्सेस के लिए, लाइफ में कुछ पाने के लिए हम किस तरह से एफर्ट लगाएं, कितना मेहनत करें। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कितना मेहनत करें कि हम सक्सेस हो जाएंगे। उसको लगता है कि हम तो अपना मैक्सिमम लगा पा रहे हैं, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में सिर्फ हार्ड वर्क से आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आपको स्मार्ट वर्क चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, सपोज मेरे पास है कोई लोहे का राड है, दोनों तरफ से फ्लैट है, एक राड है, राड आप समझ गए। अब उस राड को मैं दीवार के अंदर डालना चाहता हूँ, मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है। फिजिक्स की भाषा में बात करूँ, मैं फिजिक्स का टीचर, फिजिक्स भाषा में बात करूँ तो 10 न्यूटन का मेरे पास फोर्स है। मैंने एक हैमर लिया, हथौड़ी लिया और दीवार में उसको मारना शुरू किया। अब मैं 10 न्यूटन का फोर्स उसमें लगा रहा हूँ और वो राड दीवार के अंदर जा ही नहीं रहा है। लेकिन अब यदि उसमें मैं कुछ चेंजेस लाऊं, सपोज उस राड के एक एंड को मैं नुकीला कर दूँ, कील की तरह मैं उसको नुकीला कर दूँ, तो हो सकता है मैं 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाऊं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाने से ही उस राड को दीवार के अंदर डाल सकता हूं। बहुत इजी एग्जांपल है, आप इस बात को समझ गए होंगे। दैट मीन्स जितना फोर्स इम्पॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेक्निक, कि क्या हम सही डायरेक्शन में सही टेक्निक के साथ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम IIT JEE या नीट का जब प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस में मैंने ये बात देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं होती। वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि किसी कॉम्पिटिटिव के प्रिपरेशन के लिए जितनी इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि मुझे क्या पढ़ना है, उतनी ही इस बात की भी जानकारी होनी जरूरी है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। क्योंकि हमको यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, यहाँ कोई हम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के रिसर्च स्कॉलर नहीं है, हमको अपने सिलेबस पर पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो आज इन्हीं चीज़ों को बताऊँगा मैं आपको। एक और बहुत बड़ी जिज्ञासा मेरे चैनल में स्टूडेंट्स के अंदर है कि सर, क्या हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कर पाएंगे। देखिए, अब आज के डेट में आप कोई नर्सरी, प्राइमरी, KG 1 KG 2 में तो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं नहीं। आज आपने अपने लिए जो लैंग्वेज डिसाइड कर लिया है, आप 11th क्लास में पहुंच गए हैं, आप 12th क्लास में पहुंच गए हैं, आपने हिंदी मीडियम को चॉइस कर लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस मीडियम से सक्सेस नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने हायर सेकेंडरी का एजुकेशन तमिल भाषा से किए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी का एजुकेशन बंगला में किया। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर ने अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई मराठी में किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पढ़ाई बंगला में किया। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गुजराती में किया, अपना आत्मकथा भी गुजराती में लिखा, बाद में ट्रांसलेशन हुआ। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो आपके मार्ग में, आपके सक्सेस के मार्ग में रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, कुछ टेक्निकल बात है जिसके कारण हमको लैंग्वेज के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, आगे मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो आज के डेट में अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिस्टम को कुछ अध्ययन किया होगा, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि स्टूडेंट को ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाई कराया जाए कम से कम हायर सेकेंडरी तक जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो चीज़ों को अपने से इमेजिन कर सके, अपने से चीज़ों को सोच सके, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके। तो लैंग्वेज कोई मैटर नहीं, आप चाहे आज के डेट में हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, आप अपने लैंग्वेज पर ही पूरा एफर्ट लगा के सकते। देखिए, मैं यहाँ लैंग्वेज का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि कौन बेटर है कौन नहीं है, आज के डेट में आप जिस लैंग्वेज में हैं उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। हाँ, एक टेक्निकल इशू हमारे फील्ड में है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को IIT, JEE और NEET जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कंटेंट्स इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में कम है, पुअर है, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसको भी दूर किया जा सकता है। मेरे ही चैनल पर मैं दोनों लैंग्वेज के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी मीडियम वालों के साथ भी वही न्याय कर सकूँ जो इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में करता हूँ। और बुक्स भी आपको अवेलेबल है, तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। आज के डेट में आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए, आप दोनों में से जिस भी लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं अपने लैंग्वेज पर कमांड करके। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ये होता है कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और आईआईटी सेलेक्ट होने के बाद कुछ दिनों तक आपको प्रॉब्लम आएगा। और देखिए, यदि आपके अंदर टैलेंट है तो आप दो नहीं कई भाषा के जानकार हो सकते हैं, क्योंकि टैलेंट यदि है तो भाषा सेकेंडरी है। एक्चुअल में हम अपने लाइफ में केवल एक भाषा के जानकार होते हैं, जो हमारा मदर टंग होता है, सिर्फ हम वही सीख पाते हैं, बाकी भाषा के तो हम ट्रांसलेटर होते हैं। एक भाषा पर यदि आपको बहुत अच्छा कमांड है तो बिल्कुल इस बात पर डाउट नहीं है कि आप दूसरे लैंग्वेज के भी बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे। तो IIT NEET में एडमिशन के बाद आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है, ये कोई मैटर नहीं है। और आप बिगिनिंग्स इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अच्छी बात है, आप इंग्लिश मतलब आप भाषा के जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप जिस भाषा में हैं सक्सेस हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपसे करना, सिलेबस पर बहुत कन्फ्यूज़न है। मेरे चैनल में बहुत से स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न आता है कि सर, मैं UP बोर्ड के स्टूडेंट हूँ, मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का हूँ, मैं MP बोर्ड का हूँ, मैं महाराष्ट्र बोर्ड का हूँ। आज के डेट में, आज से कम 8-10 साल पहले सभी बोर्ड के सिलेबस में बहुत डिफरेंस था, लेकिन आज के डेट में इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे वो स्टेट के रीजनल बोर्ड हों चाहे सेंट्रल बोर्ड हों, सब के सिलेबस लगभग 95% से भी ज़्यादा सेम हो चुका है। खासकर हमारे जो कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, मैं लिटरेचर या लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डिफरेंट हो सकता है। UP बोर्ड का स्टूडेंट हिंदी लिटरेचर में अलग स्टोरी पढ़ता है, MP बोर्ड का अलग पढ़ता है, वो अलग है, लेकिन आपका कोर सब्जेक्ट का सिलेबस पूरे इंडिया में एक हो चुका है और वह CBSE को फॉलो करता है। दैट मीन्स आज के डेट में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बुक यदि कोई है तो वह NCERT का बुक है। कई बार कई स्टूडेंट्स का मेरे चैनल में इस तरह से कमेंट्स आता है कि सर, कुछ टॉपिक स्केप हो गए, कुछ छूट गए। तो देखिए, मैं CBSE NCERT को रेफरेंस मान के पढ़ाता हूँ। यदि कोई छोटा मोटा टॉपिक छूट जाता है तो हो सकता है उसको मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, या हो सकता है कि वह CBSE NCERT बुक में ना रहा हो, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक आप अपने बोर्ड के बुक से उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा टेक्निकल बात जो मैं सिलेबस पर आपसे कहूँ वो ये है कि IIT JEE NEET का सिलेबस और आपके बोर्ड का सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी क्या है कि आप दोनों सिलेबस को जब पढ़ने स्टार्ट करते हैं अपने सामने रखिए, ये IIT का सिलेबस या NEET का सिलेबस, ये मेरे स्टेट बोर्ड का सिलेबस, दोनों को वर्ड टू वर्ड आप कॉपी करिए। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको, उसको वर्ड टू वर्ड आप टैली करिए। जो टॉपिक IIT के भी सिलेबस में है और आपके बोर्ड के भी सिलेबस में है, उसको आप हाईलाइट करके रखिए। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे, यही सब टेक्निक है जिसका मैंने स्टार्टिंग में बात किया, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिक्स में और वह टॉपिक IIT के भी सिलेबस में है, तो उस टॉपिक को आपको ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा गहराई के साथ उसको ज़्यादा वेटेज देके आपको पढ़ना चाहिए। और सपोज कोई कंटेंट्स ऐसा है, ऐसे बहुत से कंटेंट्स हैं, आप टेली करेंगे तो आपको मिलेगा,
कई कंटेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है बट आपके वो बोर्ड के सिलेबस में है, तो आप उसको बोर्ड पैटर्न पर तैयारी कीजिए। मतलब उसकी तैयारी का तरीका आपको सब्जेक्टिव पैटर्न पर, ऑब्जेक्टिव को उसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सब्जेक्टिव पैटर्न पर आप उसको तैयारी करिए कि बोर्ड में मुझे कैसा लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये काम आप करिए। अभी मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ अपने चैनल पर, तो अभी मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा चैनल तो अभी एक तरह से नया है, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मेरा ऑफलाइन क्लास में, अभी मेरे को टाइम मिला तो मैंने ऑनलाइन क्लास और यूट्यूब पर आकर आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास किया हूँ और आगे उसको कंटिन्यू करूँगा मैं। तो यहाँ पर मैं जो सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मैं आपको फर्स्ट स्टेज में बेसिक फाउंडेशन क्लास के आपके कंटेंट्स पहले करा रहा हूँ। इसके बाद मैं साथ में आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और जब ये कंप्लीट होगा तो स्पेशली आईआईटी जेई के लिए मैं उसको स्टैंडर्ड को इनक्रीज करूँगा। ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का तरीका है। आपको भी पढ़ने के लिए मैं एक अब मैं थोड़ी बात करूँ बुक्स के सलेक्शन के बारे में। बहुत से स्टूडेंट बुक्स के लिए कन्फ्यूज रहते हैं, किसी से पूछ लिया ये ले लो वो ले लो ये ले लो हेलिडे रेस्निक ले लो ये, कुछ नहीं, आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है, आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है, आपको फिजिक्स पर रिसर्च नहीं करना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स अपने लाइफ में देखे हैं जो बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन कर लेते हैं लेकिन किसी बुक को ढंग से वो नहीं पढ़ते। मेरा आपको रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि फर्स्ट टाइम आपके हाथ में जो बुक आता है, आपके स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का, कोई सा बुक आपके हाथ में जो है, वह बेसिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए सफिशियंट है। बस आपके पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तो कैसे पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो आप अपने बुक को, जैसे हमारा वीडियो आप देखते हैं, तो वीडियो देखने के बाद देखिए, कोई भी टीचर क्लास में, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, हम टाइम बाउंडेड होते हैं, हमको सपोज 55 मिनट 60 मिनट का वीडियो बनाना है, ज़्यादा लेंदी मत हो, हमको बहुत सारी चीज़ों को उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो उस वीडियो को आप समझने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक से लाइन टू लाइन उसकी स्टडी कीजिए और कहीं पर भी आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है तो उसको आप हाईलाइट करिए। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम आप अपने उस बुक को जिसको आप पढ़ रहे हैं उसको पूरी गहराई के साथ, कोई राइटर कोई पब्लिकेशन, सब राइटर अच्छे हैं, सारे पब्लिकेशन अच्छे हैं, आप मेरे पास तो पूरी लाइब्रेरी है, सैकड़ों बुक है मेरे पास। मेरे दिमाग में भी कभी ये कन्फ्यूज़न हुआ करता था लेकिन जब मैंने बहुत सारे बुक्स खरीदा, सबको पढ़ा, तो थोड़े बहुत डिफरेंस बस उनका प्रेजेंटेशन, उनका प्रस्तुतिकरण कुछ अलग हो सकता है। किसी ने फार्मूला डेरिवेशन एल्जेब्रिक मेथड से किया तो उसने उसको इंटीग्रेशन मेथड से कर दिया, कोई सिग्मा लगा के कर दिया, तो फार्मूला डेरिवेशन के स्टेप्स अलग हो सकते हैं लेकिन साइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि न्यूटन ने जो रूल बताया, कूलाम ने जो बताया, किरचॉफ ने बताया, वो तो वही रहेंगे। इसलिए आपको बुक्स के ज़्यादा कन्फ्यूज़न पर बिगिनिंग में नहीं जाना है, मैं बाद के बाद आगे की बात अभी करूँगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो भी बुक है, आप जिस भी बोर्ड की स्टूडेंट हैं, जो भी बुक आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो भी बुक आपके पास चल रहा है, वो बुक को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, पहला रिक्वायरमेंट। उसके बाद मेरा आपको सजेशन है कि आप किसी भी इंडिया के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से आपके पास एनसीईआरटी का बुक जरूर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, वो आप देखेंगे फ्रंट पेज में कितने जीनियस राइटर्स लोग उसको कलेक्शन किया है। किसी ने ओनली इलेक्ट्रिसिटी पर लिखा है, किसी ने ओनली लाइट पर लिखा है, किसी ने ओनली मैग्नेटिज्म पर लिखा है, मतलब हर टॉपिक का एक स्पेशलिस्ट राइटर है। उन लोगों ने उस बुक को बहुत मेहनत करके तैयार किया है, अंदर में जो कंटेंट्स मिलेगा वो क्रीम कलेक्शन है, एक पतली बुक में वह बहुत अच्छा कलेक्शन है। दैट मीन्स समुद्र से मोती चुनने जैसा है। बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी की बुक को बहुत गहराई से पढ़िए। खासकर मैं आपको बता दूँ कि मेरे इतने सहारा है कि मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं मैथ्स फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुए और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है क्योंकि आईआईटी जेईई नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछता है। फिजिक्स थोड़ा वास्ट सिलेबस हो जाता है क्योंकि इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस और घुमा, लेकिन यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं। और मैथमेटिक्स तो स्टूडेंट्स कंप्लीटली प्रैक्टिस पर बेस्ड सब्जेक्ट है। आपके टीचर ने दो क्वेश्चन बता दिया, फार्मूला बता दिया, मेथड समझा दिया, इसके बाद आपके ऊपर है कि कितने नंबर आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके लिए आप जैसे प्रैक्टिस बुक के लिए बोलूँ तो आर डी शर्मा बहुत बेस्ट बुक है। आर डी शर्मा के बुक में इतने क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में, यदि वो बुक आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट रहें यदि आप आर डी शर्मा का क्वेश्चन करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको बहुत वैरायटी वहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से आप फिजिक्स यदि पढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में यदि आप जाएँ तो आई आई टी की स्टूडेंट्स हैं यदि आई आई टी का प्रिपरेशन करते हैं तो एच सी वर्मा सर का आप बुक जरूर पढ़िए। लेकिन जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिजिक्स में उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते तो उनके लिए सजेशन है मेरा कि अपने टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं या आप सिंगेज पब्लिकेशन में एक अच्छा बुक आता है ये बुक आप कंसल्ट कर सकते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन के सभी बुक्स अच्छे हैं आई आई टी जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ से आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट होने के बाद भी धीरे धीरे आपको इंग्लिश, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो लैंग्वेज पर मैं आपसे बात किया कि मेरे क्लास में भी आप देखते होंगे कि आप भले ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आप टर्मिनोलॉजी जो होता है जैसे विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, आवेश को चार्ज कहते हैं, आघूर्ण को मोमेंटम का, ये आपको पता होना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स को आप इंग्लिश में अभी से तैयार कीजिए, भले ही एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी में हो लेकिन आपके टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में, क्योंकि आगे चल के जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आप मेरे वीडियो में आप देखते होंगे कि मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि अपने हिंदी मीडियम के क्लास में भी कम से कम फिजिक्स मैथ्स में यूज़ होने वाले, मैथ्स का तो कम्बाइंड क्लास है, उसमें मैं टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में भी आपको बता सकूँ। तो ये कुछ टेक्निक हैं, आप बहुत फ्री माइंड से, आपके पास, आप देखिए आप इस एग्ज़ाम को किसी भी प्रकार से बर्डन के रूप में मत लीजिए। आपके दिमाग में पहले से एक फोबिया हो कि आई आई टी का एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट होता है, नीट का एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट होता है, तब तो आप 50% ऐसी मैदान छोड़ दिए। आपके दिमाग में कोई फोबिया नहीं होना चाहिए, आप इंटरेस्ट से पढ़ो, उसको इंजॉय करो। खासकर मेरा सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसमें मैं तो हर स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूँ कि आप उसमें मजे लीजिए, उसको आप बिना किसी टेंशन के कि आपको आई आई टी निकालना है, दैट इज़ सेकेंडरी प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इज़ योर नॉलेज। आप फिजिक्स में क्या सीख रहे हैं ये आपका मेन प्रोडक्ट है, आप आई आई टी में सेलेक्ट होंगे वो आपका बाई प्रोडक्ट है, वो तो होगा, यदि आपने यहाँ अच्छा किया तो वहाँ अच्छा होगा। तो पहला मैंने बताया कि आप अपने टेस्ट बुक और एन सी आर टी की बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके बाद अपने स्टेप को सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप एनसीईआरटी का बुक का ही न्यूमेरिकल करिए। और मैं अपने देखे होंगे मेरे वीडियो में, मैं सबसे पहले मेरे पास तो न्यूमेरिकल का भंडार है, मैं बहुत सारा निबिकर, लेकिन एकाएक यदि मैं आपको डिफिकल्ट लेवल में चला जाऊं तो बहुत नुकसान है। उससे दो नुकसान है, एक तो साइकोलॉजिकल आपको एक डर पैदा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स मेरे से बनते नहीं, दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आप इजी कॉन्सेप्ट को यदि क्लियर नहीं किए हैं तो उसी इजी कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पर मुझे जाना है तो कैसे पॉसिबल है। आपको सीढ़ी चढ़ना है तो 1x1 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, आप फर्स्ट स्टेप के बाद सीधा 10 स्टेप में जाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं, या तो आप जा नहीं पाएंगे या तो आप गिर जाएंगे। तो आपको वर्क स्टेप बाय स्टेप। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, वैसे मैं इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा कि बीच बीच में आपको कैसे तैयारी करनी है करके, ये बिगनिंग में मैं ये बात बता रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए आप अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप कीजिए, आपके अंदर एक धैर्य होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो सवेरे हम डिप्रेशन में आ गए, एक क्वेश्चन नहीं बना तो दोपहर को एक क्वेश्चन बन गया तो हम बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए, शाम को हमको पता चला कि किसी ने बता दिया कि मैं 3 साल तक तैयारी की है मेरे हुआ नहीं, फिर डिप्रेशन में। ये फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं है, एक कंसिस्टेंसी के साथ आप एक धैर्य के साथ आप तैयारी करिए। मैं तो फाइनल आपको ये बात बोलता हूँ, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन फाइनल यदि मैं आपको अपना एक पर्सनल मैसेज आपको दूँ तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज़ हमने आई आई टी जेई नीट का तैयारी किया, बहुत मेहनत किया, हमने फिजिक्स में इंजॉय किया, जब हम एक भी टॉपिक पढ़ते थे, जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम मजे लेते थे, लेकिन फाइनली सपोज़ मेरा सक्सेस, मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया तो भी मैंने कुछ पाया, क्या पाया, मैंने इंजॉय किया सब्जेक्ट के साथ। और आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऐसा पढ़ने से आप सक्सेस भी होंगे, बाय द वे नहीं भी होते तो आपने अपने अंदर पढ़ने की जो टेक्निक पैदा की है, पढ़ने की जो आपने क्षमता पैदा की है, सब्जेक्ट के अंदर डूबने का जो आपने कंसंट्रेशन डेवलप किया है, वो एक आईआईटी का एग्ज़ाम चूक जाने से क्या होता है, बहुत सारे आपको लाइफ में एग्ज़ाम देने हैं वहाँ आपको काम आएगा। आप अपने स्टेट बोर्ड के पीएससी निकाल सकते हैं, यूपीएससी निकाल सकते हैं, बहुत से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो ये जो पढ़ने का आपने हैबिट डेवलप किया, देखो नॉलेज और हमारा मेहनत करने का जो
तरीका है वो कभी बेकार नहीं जाता। तो मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखे हैं जो इस लेवल के एग्जाम में चूक गए, लेकिन बाद में इससे बड़ा एग्जाम उन्होंने निकाल लिया। कई सक्सेसफुल लोगों के मैंने इंटरव्यू में पढ़ा कि मैं आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए जो मेहनत करता था मैं वहाँ सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन उस मेहनत को मैं बाद में यूपीएससी के लिए लगाया और मैं आईएएस बन गया, यूपीएससी सेलेक्ट हो गया। तो कभी एक रिजल्ट आपको कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकता कि आप फेलियर हो गए। लाइफ में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लाइफ में आदमी कभी फेलियर नहीं होता। लाइफ में फेलियर वही होता है जो अपने आगे के चांस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अदरवाइज आपके पास रोज़ एक नया ऑप्शन है। तो मेरा आपको मैसेज यही है कि आप बहुत फ्री माइंड के साथ बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक बिहेवियर है कि स्ट्रेस में वह अच्छा वर्क नहीं करता, इसलिए पीसफुल माइंड से आप बिना किसी परेशानी के और पेशेंस के साथ, मैंने अपने वीडियो में भी देखा है, हालांकि आपको ये बात मैं शेयर कर दूं कि कई लोग के कमेंट्स आते हैं, अब भी मैंने चैप्टर 4 का सपोज सेकंड वॉल्यूम का वीडियो प्रोवाइड कराया, 2 घंटे बाद किसी का मैसेज आता है सर थर्ड पार्ट, सर फोर्थ पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने एक्साइटेड हैं आगे पढ़ने के लिए, लेकिन एक ये भी बात है कि आप जितने वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप पहले 100% तैयार करिए। और बेसिक मैथमेटिकल बायो के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो नीट के प्रिपरेशन करने वालों के लिए, एक मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रांग करिए। आपका मैथमेटिक्स में आपको एलजेब्रा, आपको ट्रिग्नोमेट्री, आपको कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर एलजेब्रा, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। और मैंने अपने चैनल पर, अभी बहुत लोग को मिल भी गया होगा, इसके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया है। मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथमेटिकल टूल्स के अलग से 5-6 वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ पर से आप उसको बार बार अगेन एंड अगेन आप उसको रिवाइज करते रहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा पर्पस था सिर्फ ये कि मैं अपने चैनल के सारे स्टूडेंट्स को आईआईटी, जेई और नीट के लिए कुछ आपको गाइडलाइन कर सकूं। मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको सिर्फ सुनो मत, उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट में लाओ, उसको कार्य रूप में परिणित करो और आप सक्सेस हो। मैं आपके साथ हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कुछ भी सोचने का नहीं है, मेरी जितनी क्षमता है मैं आप तक आपको हेल्प करूँगा, आगे करता रहूँगा। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर आप आगे पढ़ाते रहेंगे ना, कुछ डाउट का बात नहीं है, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो उसके लिए आपको कुछ सोचने का नहीं है, आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट ही मेरी आइडेंटिटी है। ओके, थैंक यू।